दोस्तों, स्वागत है आपका एस एस नॉर्थ स्टडी पर। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो फ्रेंड, आप सभी को पता है कि कल के न्यूज़पेपर में रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में एक नई अपडेट आई है। फ्रेंड, जिस अपडेट के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ आपको मैं समझाऊँगा। तो फ्रेंड, तो मेरे पास एक पूरा वो आर्टिकल पड़ा है जो कल के न्यूज़पेपर में आया है, तो आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि सेंट्रल और स्टेट लेवल के जितने भी न्यू वैकेंसी एजुकेशन इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, तो मैं आज आपको बताऊँगा रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो फ्रेंड, कल के न्यूज़ के पेपर का आर्टिकल है, तो इसके अंदर ये दिया हुआ है रेलवे एनटीपीसी कैटेगरी की परीक्षा साल के अंत में हो सकती है। फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा साल के अंत में हो सकती है। तो फ्रेंड, मान के चलिए तो अभी तक लॉकडाउन के अंदर ये कोरोना महामारी फैल रही है, तो इस हिसाब से रेलवे को कोई एजेंसी नहीं मिली है। जो पुरानी एजेंसी है वो एजेंसी तो रद्द हो गई एग्ज़ाम कराने की, जिस कारण भर्ती प्रक्रिया बड़े लंबे समय से विलंब चल रही है। इस कारण ये भर्ती प्रक्रिया साल के अंत में होने की संभावना है। तो फ्रेंड, परीक्षा एजेंसी नियुक्त करने के लिए 22 अप्रैल को बैठक बुलाई जाएगी। फ्रेंड, रेलवे ने परीक्षा एजेंसी नियुक्त करने के लिए 22 अप्रैल को एक तो बैठक बनाई है आपने। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम को कराने के लिए नई एजेंसी के बारे में पूरी डिस्कस करने के लिए रेलवे ने एक तो बैठक बुलाई, जो 22 अप्रैल यानी कि आज के दिन वो बैठक तो बुलाई गई है। तो इस बैठक के अंदर वो सारे तो एजेंसी के बारे में निर्णय लिए जाएगी, जिससे तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम की परीक्षा तो कराने के लिए, और हमारे तो मई में परीक्षा एजेंसी फाइनल कर दी जाएगी। फ्रेंड, आज अभी अप्रैल के अंदर वो बैठक बुलाई जाएगी आज, और इस बैठक के अंदर संपूर्ण वो डिस्कस करेगी, और इसके बाद मई के अंदर तो परीक्षा की फाइनल वो डिस्कस कर देगी कि कौन सी एजेंसी तो एनटीपीसी कैटेगरी की परीक्षा कराएगी। ओके फ्रेंड, तो पहले की परीक्षा एजेंसी रद्द होने के कारण भर्ती परीक्षा बड़े समय से रुक गई है। जो मतलब पहले रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी थी, तो उस एजेंसी को रद्द होने के कारण तो भर्ती परीक्षा काफ़ी लंबे समय से रुक गई है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए। फ्रेंड, एनटीपीसी कैटेगरी रेलवे की परीक्षा के अंदर 1.25 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए हैं। तो एनटीपीसी में कुल आवेदन की संख्या सॉरी एनटीपीसी में कुल पद थे 35,208। फ्रेंड, एनटीपीसी रेलवे के अंदर 35,208 तो पद थे, इसके लिए आवेदन आए 1,26,885 आवेदन आए। तो बहुत ही ज़्यादा आवेदन आए फ्रेंड, 1,26,885 आवेदन आए। जिस प्रकार से इतना बड़ा कंपटीशन, उसके अंदर तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको तो तैयारी भी फुल वो करनी पड़ी, तभी आपका सिलेक्शन होने की संभावना है फ्रेंड। तो ये थी हमारी छोटी की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी ऐसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, और चैनल को लाइक ज़रूर करें, फिर दोस्तों शेयर ज़रूर करें फ्रेंड। तो ये थी रेलवे एनटीपीसी के बारे में छोटी सी जानकारी फ्रेंड। जिस हिसाब से इस परीक्षा एजेंसी का आज मतलब एन बैठक होगी, तो उस हिसाब से आपके एग्ज़ाम डेट नवंबर या दिसंबर में तो आ जाएगी फ्रेंड। नवंबर के लास्ट वीक में आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, जय हिंद।